हेलो पीपल एंड वेलकम टू माय चैनल डीप फॉर डिक्शनरी, जहाँ पे अभी चल रही है एक सीरीज जिसमें हम हर अल्फाबेट के रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स देखते हैं उनके मीनिंग्स के साथ और उनके सेंटेंस के साथ। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अल्फाबेट एच से स्टार्ट होने वाले कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि वीडियो के एंड में है कुछ क्रेजी, शॉकिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कैट्स वर्सेस डॉग के रिलेटेड। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है हाइव, मीनिंग द हैबिटेशन ऑफ बीज, मीन्स मधुमक्खी का छत्ता। सेंटेंस विच कैन बी फ्रेम्ड इज द बीज वर हमिंग अराउंड द हाइव। मधुमक्खियां छत्ते के आसपास भिनभिना रही थी। आज का सेकेंड वर्ड है होलोकॉस्ट, मीनिंग अ डिजास्ट्रियस फायर, अ होली बर्न सेक्रीफाइस, मीन्स प्रचंड या खतरनाक आग और पूर्ण आहुति। सेंटेंस विच कैन बी फ्रेम्ड इज द फॉरेस्ट फायर वॉज अ होलोकॉस्ट दैट डिस्ट्रॉयड थाउजेंड ऑफ ट्रीज। जंगल में लगी आग बहुत ही खतरनाक थी जिसने हजारों की संख्या में पेड़ों को जला दिया। थर्ड वर्ड इज होली, मीनिंग डिवोटेड टू गॉड, फ्री फ्रॉम सिन स्केयर्ड, मीन्स शुद्ध, पाप रहित, धार्मिक या पवित्र। सेंटेंस विच कैन बी फ्रेम्ड इज अ होली पर्सन इज रिक्वायर्ड टू रीड द होली बाइबल। एक धार्मिक व्यक्ति को धार्मिक ग्रंथ जरूर पढ़ने चाहिए। फोर्थ वर्ड इज ऑनेस्ट, मीनिंग फेथफुल, सिंसियर, फेयर एंड अपराइट इन डीलिंग्स, मीन्स सच्चा, ईमानदार या निष्कपट। निष्कपट मीन्स बिना किसी छल या कपट के। सेंटेंस विच कैन बी फ्रेम्ड इज आई विल बी हॉनेस्ट विद यू, मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा। फिफ्थ वर्ड इज हॉरिबल, मीनिंग हाइडियस, अनप्लेजेंट, ड्रेडफुल, फिट टू एक्साइट हॉरर, मीन्स डरावना, विकराल या भयानक। सेंटेंस विच कैन बी फ्रेम्ड इज You are a horrible person. तुम एक डरावने व्यक्ति हो। Sixth word is howl, meaning to cry like a dog or wolf, to roar, means जोर से चिल्लाना, गुर्राना या गरजना। Sentence which can be framed is Last night I heard dogs howling. कल रात मैंने कुछ कुत्तों को गुर्राते हुए सुना। आज के वीडियो का सेवेंथ और लास्ट वर्ड है huge, meaning enormous, immense, very large, means बहुत भारी, विशाल या बहुत बड़ा। Sentence which can be framed is Tom's eyes are huge. Tom की आँखें बहुत बड़ी हैं। So guys, इसी के साथ हमारे आज के vocabulary words खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और इस वीडियो का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब हम देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग, शॉकिंग और क्रेजी फैक्ट्स कैट्स वर्सेस डॉग्स के रिलेटेड। आज का फर्स्ट फैक्ट है कैट्स आर द स्लीपियस्ट ऑफ ऑल मैमल्स, दे स्पेंड 16 आवर्स ऑफ ईच डे स्लीपिंग, मींस सभी मैमल्स में से कैट्स ऐसी मैमल्स हैं जो सबसे ज्यादा सोती हैं। वे हर दिन 16 घंटे सोती हैं। आज का सेकेंड फैक्ट है कैट्स कैन मेक एज मेनी एज 100 डिफरेंट वोकल साउंड्स, वेयर एज डॉग्स हैव ओनली 10 डिफरेंट वोकल साउंड्स। कैट्स की जो मेन वोकल साउंड है वो तो मियाऊ ही है, पर अलग अलग सिचुएशन में वो अलग अलग टाइप की वो वोकल साउंड निकाल सकती हैं। और कैट्स जो हैं वो 100 टाइप्स की या डिफरेंट 100 टाइप्स की वोकल साउंड्स निकाल सकती हैं, पर जो डॉग्स है वो सिर्फ 10 डिफरेंट वोकल साउंड्स ही निकाल सकते हैं। आज का थर्ड और लास्ट फैक्ट है कैट्स हैव मोर बोन्स देन ह्यूमंस, मीन्स कैट्स के अंदर ह्यूमन के कंपैरिजन में ज़्यादा बोन्स होती हैं। कैट्स का साइज ह्यूमन से तो छोटा होता है, उसके बावजूद भी कैट्स में सबसे ज़्यादा बोन्स होती हैं। एक टिपिकल कैट में 290 बोन्स होती हैं और एक ह्यूमन में 206 बोन्स होती हैं। सो ये थे हमारे आज के कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। क्या आपको ये फैक्ट्स पहले पता थे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।